अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि हम फाइवर से किस तरह से अपने फंड्स विदड्रा कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी मेथड्स हैं फाइवर से फंड्स विदड्रा करने के, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है पायोनियर के थ्रू। तो वही मेथड मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर $40 शो हो रहे हैं। ये मेरा वो फंड है जो कि क्लियर हो चुका है। तो मैं यहाँ अर्निंग्स पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ये अर्निंग्स पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर अब ये $40 जो है ये क्लियर हो चुके हैं, अवेलेबल फॉर विड्रॉल में आ रहे हैं। जब भी यहाँ पर शो होंगे अवेलेबल फॉर विड्रॉल में, हम उसी वक्त इन फंड्स को विदड्रा कर सकते हैं। तकरीबन 14 दिन तक ये जो फंड्स हैं पेंडिंग क्लियरेंस में रहते हैं। मेरे $40 पेंडिंग क्लियरेंस से क्लियर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको विदड्रा कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमारे सामने देखा जाए तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें सबसे पहला ऑप्शन है पेपाल का। पेपाल चूँकि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम पेपाल के थ्रू इसको विदड्रा नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आपने पेपाल का अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आप पेपाल के थ्रू भी विदड्रा कर सकते हैं। लेकिन पेपाल के थ्रू मैं आपको फिर भी कहूँगा कि विदड्रा ना करें, क्योंकि पेपाल अपनी एक्स्ट्रा फीस वगैरह चार्ज करता है, और इसके अलावा भी जो पेपाल है पाकिस्तान के अंदर वैसे भी सिक्योर नहीं है। और तो ये मेथड इतना ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है। अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेपाल के थ्रू विदड्रा ना करें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र का। तो बैंक ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है, ये देखने में तो बड़ा आसान एक ऑप्शन लगता है कि जैसे हम बैंक अकाउंट की अपनी डिटेल्स इंटर करेंगे और ईजिली जो कैश है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कोई इतना आसान मेथड नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पर बैंक अकाउंट की अपनी डिटेल्स लिखते हैं, अगर हम पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आगे देते हैं, तो इसमें मसला ये होता है कि समटाइम हमारे बैंक वाले हमसे वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि जी ये आपके पास जो फंड्स आए हैं ये कहाँ से आए हैं, किस सोर्स से आए हैं। तो हमें उनको भी समटाइम जवाब देना पड़ता है, और ये डायरेक्टली हमें नहीं कैश यानी कि हमारे बैंक में आ जाता है, ये दो तीन बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद आता है। और इसमें हमें फिर एक्सचेंज रेट भी इतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो जो सबसे लास्ट और बेस्ट ऑप्शन है वह है फाइवर रेवेन्यू कार्ड का। तो जैसे ही हम यहाँ फाइवर रेवेन्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन नहीं आएगी आपके सामने। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल चली जाएगी आपके ईमेल अकाउंट पर। उस ईमेल अकाउंट को जब आप ओपन करेंगे, वहाँ पर उस ईमेल के अंदर एक लिंक होगा। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो फिर आपसे वो पायोनियर का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जब पायोनियर का यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह आप लिख देंगे, तो पायोनियर का जो विड्रॉल मेथड है वो इस फाइवर के अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। जब एक दफ़ा लिंक हो जाएगा वो मेथड, उसके बाद में जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइवर रेवेन्यू कार्ड पर, फिर आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। तो देखें यहाँ पर $40 हैं जो कि मेरे क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपने कितनी अमाउंट निकालनी है, तो मैं 40 की 40 अमाउंट ही निकालना चाहता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ कन्फर्म विड्रॉल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ कन्फर्म विड्रॉल पर, तो ये देखें आ गया $40 आर ऑन दियर वे। तो दोस्तों ये एक बड़ा ही सिंपल मेथड है। अब ये जो $40 हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका तो ये जो $40 हैं, ये एग्जैक्टली 40 के $40 हमारे पायोनियर के अकाउंट में जाएंगे। इन पर बिल्कुल भी फीस जो है वो पायोनियर या फिर ये फाइवर चार्ज नहीं करता। एक दफ़ा जब ये पैसे आपके पायोनियर के अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, तो उसके बाद में आप इसको जैस कैश के थ्रू भी विदड्रा कर सकते हैं और पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के थ्रू भी विदड्रा कर सकते हैं। लेकिन जब आप पायोनियर से अपने जैस कैश में या बैंक अकाउंट में कैश को विदड्रा करेंगे, तो फिर पायोनियर 2% फीस उसके ऊपर चार्ज करेगा। यानी कि अगर हम $100 विदड्रा करते हैं, तो हमें $98 उसकी जगह मिलेंगे। यानी कि तकरीबन $2 वो अपनी फीस $100 के बाद चार्ज करेगा। दोस्तों उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये कितना टाइम लगता है फंड्स ट्रांसफ़र होने में। तो दोस्तों ये कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक तरह से ये इंस्टेंट है फंड ट्रांसफ़र होने का मेथड। जैसे कि अभी मैंने रिक्वेस्ट की है, तकरीबन मैं इसके 5 या 10 मिनट के बाद देखूँगा अपना जो अकाउंट होगा पायोनियर का, तो उसके अंदर कैश फ़ौरन से आ जाएगा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा और एक्सटेंसिव मेथड नहीं है। तो दोस्तों समटाइम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और समटाइम इंस्टेंटली उसी वक्त आपका जो पायोनियर अकाउंट है उसके अंदर ये कैश विड्रा हो जाता है। तो दोस्तों जो मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया है, उसके तकरीबन 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर ईमेल चेक कर लिया पायोनियर की। उसी टाइम 1-2 मिनट के अंदर अंदर मुझे ईमेल रिसीव हो गई है, और ये जो फंड है मुझे पायोनियर के अकाउंट के अंदर अपने रिसीव हो गया। तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने आपको अपना पायोनियर का अकाउंट ओपन कर लिया, और आप ये देख लें लेटेस्ट मुझे जो है ये फाइवर की तरफ से $40 यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। और ये 13 मई की डेट शो हो रही है, और अब यहाँ देखें ये 14 मई की डेट शो हो रही है। तकरीबन ये मैंने उसी दिन ही चेक किया है, लेकिन ये इनके टाइम में और हमारे टाइम में थोड़ा सा फ़र्क है, इस वजह से ये 13 और 14 ये थोड़ा सा फ़र्क शो हो रहा है। तो दोस्तों ये था सबसे ज़्यादा इजी मेथड फाइवर से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में कैश विड्रॉ करने का। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।